बब्बू मान पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री विच लोकां दे द्वारा काफ़ी पसंद किया जाने वाला गायक और अदाकार है। बब्बू मान ने अपनी गायकी करियर की शुरुआत साल 1998 सज्जन रुमाल दे गया गाने दे नाल कीती सी। उस तो लैके अज तक बब्बू मान ने कदे भी पिछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार सुपरहिट ते सुपरहिट एल्बम्स दित्तियां। उसने अपना दायरा सिर्फ पंजाबी गीतां तक ही सीमित नहीं रखा, उसके द्वारा बहुत सारिया पंजाबी फिल्मों के भी अभिनय किया गया। इस तो अलावा हिंदी फिल्मों के भी बब्बू मान के काफ़ी गाने रिलीज़ हुए ने। साल 2007 बब्बू मान ने अपनी पहली हिंदी एल्बम की सी जिसका नाम सी मेरा गम। जिन्ना मशहूर बब्बू मान अपनी फिल्मों और गाने के करके है, उस तो कि ज़्यादा मशहूर वो विवादा अपनी दरिया दिली के करके है। साल 2008 जाता है कि जो बब्बू मान अपनी हाशर मूवी की शूटिंग कर रहा था, बब्बू मान को देखने के लिए 8000 के करीब लोग इकट्ठे हो गए सन, जिस दे लिए बब्बू मान ने अपनी शूटिंग तो बाद अपने प्रशासकों के लिए बिल्कुल फ्री दे विच शो किया सी। इस तो अलावा बब्बू मान एक समाज सेवी संस्था वन होप वन चांस भी चलाते हैं, जिस दे विच उन्हां दा प्रोजेक्ट गरीब लोगों लई हस्पताल बनवाना अते जद्दी स्थान ते बुढ़ापा घर बनवाना है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बब्बू मान खंटवाला मान के नाम नाल भी मशहूर है। 18 मार्च 1975 उन्हां दा जन्म खंट मानपुर तहसील खमाणो जिला फतेहगढ़ साहब के होया सी, जिस दे कारण उन्हां दे प्रशंसक उन्हां नूं खंटवाला मान के नाम नाल भी पुकारदे ने। बचपन के ही उन्हां दे पिता बाबू सिंह मान अते माता कलवीर कौर उन्हां नूं विछोड़ा दे गए सन, जिस तों बाद उन्हां दा पालन पोषण उन्हां दी दादा दादी ने किया। बब्बू मान ने 7 साल की उम्र में अपना पहला स्कूल दे विच एक स्टेज शो किया सी। जदों उन्हां दी उम्र 16 साल हुई तो उन्होंने अपने खुद के गीत लिख के गाना शुरू कर दिता। अपनी पहली एल्बम रिलीज करन तो पहला बब्बू मान ने बहुत सारे स्टेज शो किए। 23 साल की उम्र में बब्बू मान ने अपनी पहली एल्बम सज्जन रुमाल दे गया की थी। अगे चल के साल 2001 बब्बू मान की आई एल्बम साउंड की झड़ी ने उन्होंने रातों रात स्टार बनाता। साल 2003 बब्बू मान ने अपनी पहली मूवी हवाएं की सी जिड़ी कि सिख विरोधी दंगों के उत्ते आधारित सी। अजिहे संवेदनशील मुद्दे के कारण भारत सरकार ने भारत के इसकी रिलीजिंग से रोक लगा दी सी। उसकी आई चौथी एल्बम प्यास साल 2005 सुपरहिट रही और ETC चैनल पंजाबी म्यूजिक अवार्ड के द्वारा साल 2006 की सब तो सर्वोत्तम एल्बम के नाल सम्मानित किया गया। जेकर आप बब्बू मान के नाल जुड़िया कॉन्ट्रोवर्सीज की गल करिए साल 2009 जदों बब्बू मान ने अपना गाना एक बाबा नानक सी किया तो उस समय बहुत सारे लोगों के द्वारा उन्होंने क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि ज़्यादातर सिख भाईचारा उन्हां दी सपोर्ट दे विच सी, पर फिर भी कुछ गुटां दे द्वारा उन्हां दी आलोचना की गई। इस तो बाद दूजी बार बब्बू मान उस वक्त सुर्खियां दे विच आए जदों उन्होंने UK विच एक संगीत समारोह दे विच एक गीत दे राही महान स्वतंत्रता सैनानी लाला लाजपत राय की शहादत के उत्ते सवाल खड़े किए। एक बार बब्बू मान नूं बैस्ट मेल आर्टिस्ट अते बैस्ट पंजाबी एक्ट लई डेफ वामा म्यूजिक अवार्ड नाल सम्मानित किया गया सी, जिस तो बाद गायक गैरू संधू ने दोष लगाया सी कि वह जितया नहीं बल्कि अवार्ड खरीदे हैं। बाद विच गैरी नूं उसके इस काम के लिए काफ़ी निंदा झलनी पई सी। जेकर आपां बब्बू मान की निजी जिंदगी की गल करिए बब्बू मान का ब्याह हरमनदीप कौर मान के नाल होया सी। तां दोस्तो यह सी कहानी पंजाबी स्टार बब्बू मान की। तुहानूं साडे द्वारा दित्ती गई जानकारी किवें लगी सानूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। इस तों अलावा तुहाडा पसंदीदा गाना
जो कि बब्बू मान की आवाज़ के गाया गया हो उस दे बारे भी कमेंट जरूर करो। अपना कीमती समा देने दे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।